वैष्णो देवी डन, पटनी टॉप डन। अब जो हमारी गाड़ी चल पड़ी थी वो थी पटनी टॉप सनासार की तरफ। बट द क्वेश्चन इज, अभी तो हम पटनी टॉप नाग मंदिर की तरफ थे, लेकिन अब हम पटनी टॉप सनासार जा कैसे रहे? मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप लोग सही दिमाग या सही नॉलेज लेके ट्रिप पे निकले हो तो आप डायरेक्ट उधमपुर से पटनी टॉप सनासार तक पहुंच सकते हो। बट अगर आप गलती से पटनी टॉप नाग मंदिर की तरफ पहुंच चुके हो तो आप लोग सिंपली एक काम कर सकते हो कि वहां से आपको बस तो नहीं मिलेगी, वहाँ बस नहीं जाती, आप डायरेक्ट वहाँ से कैब बुक कर सकते हो। बट ये है कि अगर आप ज़्यादा लोग हो तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप लोग मनी स्प्लिट कर सकते हो। बट अगर आप लोग अकेले हो तो आपको शेयरिंग में जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल से वहाँ चलती है, तो शेयरिंग मुश्किल है। बट ग्रुप में हो तो आप लोग को वहाँ पे 2,000-1,500 तक में कैब मिल जाएगी। थोड़ा नेगोशिएट करने की कोशिश करना, एक बार में आप मत करना, तो आपको टैक्सी मिलेगी जो डायरेक्ट आपको पटनी टॉप सनासार ड्रॉप करेगी। सो गाइज, वेलकम टू द रेज ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट सनासार। सो फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये हमारा लगेज। हम मुनीम जी, विशाल, विशाल मुनीम जी, भाई सनासार हम पहुंच चुके हैं और हमने कुछ चीज़ें खरीदी हैं। बट मुझे ये लगा था, हमें मतलब मुझे क्या, हमें लगा था कि यहाँ पे इतनी मार्केट नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, और YouTube पे या फिर ऑनलाइन भी इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी कि हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकें। बट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सनासार आओ तो आपको ज़रूरी नहीं है आप सारी चीज़ें खाने पीने या फिर अगर खुद बनाना चाह रहे हो तो वहाँ से लेके आओ, यहाँ आपको सब मिलेगी और वही रेट, ज़्यादा 5-10 रुपये थोड़ा सा महंगा होगा, वो भी महंगा नहीं, सब उसी रेट मिलेगी जो नॉर्मली आपकी तरफ मिलती है। तो इधर आप अपना कैंप वैम्प लाओ बस, बाकी आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हम आ चुके हैं पटनी के टॉप पे, सॉरी पटनी टॉप पे। सो गाइज हम आ चुके हैं पटनी टॉप पे। यूहू तो भाई अब लगाने की बारी है टेंट की। लोकेशन बहुत प्यारा है, ठीक है। तो ओए सामने सटे सामने अब लगाने वाले हैं कैंप, ठीक है। ओए ये कपड़े सुखा दें यार, गीले वाले। ओए कपड़े डाल दो अपने। तो हम वी शेप में लगाने वाले हैं ताकि एक दूसरे कनेक्ट रहे, ठीक है। तो सबसे थोड़ा एक दो साइड मुँह इधर, दो साइड मुँह इधर रहेगा और सामने का लोकेशन। तो भाई ये देखो हमारा कैंप तो लग चुका है, हमें कुछ चीज़ों की जरूरत है जो हम ढूंढेंगे इस तरफ, ठीक है। हिडन टैलेंट दिखा। हाँ इसका हिडन टैलेंट देखो, ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जाएगा, सॉरी इंडियाज़ गॉट लैटेंट में जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये हमारा पूरा चलो उठा ले भाई भाई नजारी है। तो हमें कुछ चीज़ें ढूंढनी है, तो अभी हम ढूंढने जा रहे, रात होने से पहले वो चीज़ हम ले आते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। आ जा भाई, चल चल अभी अभी हैं यहाँ पे। तो मेन वो सारी चीज़ें हमें लेनी, मेन मतलब हम बोले लकड़ी लेने जा रहे हैं, छुपाएं क्यों भाई, तो हमें लकड़ी ढूंढना है। तो चलते हैं इधर को, इधर ये जो चीड़ के पेड़ है तो इधर मिल जाएंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, चीड़ का पेड़। चल भाई थोड़ा रिस्क लेके अंदर नीचे जाना पड़ेगा, एक तो उठा ले, उठा मत इधर से, इधर वापस इधर से जाएगा, उठाते हुए नहीं को अच्छे से रख देते, कोई देखे ना भाई, हमारी किस्मत ऐसी है कोई उठा लेगा इसे। हाँ हाँ भाई ये देखो, देखो भाई यहाँ भी कुत्ते हैं, कोई हिडन स्पॉट नहीं, सब जानते हैं जो जो आता होगा यहाँ पे, बस थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन हियर। चलो आप लोग मुझे जानते ही होंगे बहुत, मैं आपका बीएड गिल्स पर मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपका बीएड गिल्स आ चुका हूँ इन किसी तो किसी पटनी टॉप के पहाड़ों में, जहाँ हमें कुछ लकड़ियाँ ढूंढनी है। हमें चीड़ के फल तो दिख रहे हैं जो अच्छे खासे जल सकते हैं, पर हमें भी बोन फायर नहीं लगानी है। पकड़ी हुई अर्जुन पकड़ी से, ये देख छोटी छोटी लकड़ी बहुत सारी है, इन्हें उठा ले भाई, पन्नी तो लेके आता है, ये देख इतने सारे हैं ना, यही जल जाते हैं, उठा ले चल यहाँ से। ओए तारों के बीच से भेजेगा मुझे, ले पकड़, हम तारों के नीचे से चल चल चल, बोन फायर अलाव है, पंथर लगा के बने, बोन फायर लगाएंगे। ये चीड़ के पेड़ के फल के होते हैं, मत जलेगा ये। क्या हाल है, ठीक हो?
हम कुछ नहीं करेंगे। चल चल नीचे बहुत सारी पड़ी हुई हैं, ध्यान से चल चल। तारों के शहर से आ चुके हैं हम, ठीक है। अरे वहीं चिल्ला के बोल देना, अभी यहीं से मांग लेना, जाएगा क्यों। तो हमें लड़की बोलो, लकड़ी यहीं मिल गई, किसी ने ऑलरेडी बोनफायर यहाँ पे आग लगाई थी, तो यहीं मिल जाएंगे। मौसम कुछ ऐसा है कि ठंडी हवा जो है, हवा की स्पीड भी बढ़ती जा रही है, ठंडक भी बढ़ती जा रही है। चलो ही नीचे चलते हैं, आजा। अबे वो बड़ी लकड़ियां भी चाहिए ना। ओ कभी मैंने लिखा है भाई, गा पूरा गाना, गाना क्या बोला, लीक हो जाएगा। चलो चलो चलो, आजा भाई आजा। और क्या बे, लकड़ियां ही नहीं है, ये रे नीचे रख देता हूं। हां क्योंकि सर ये सब लेके जाने, नीचे रहते हैं भाई, नीचे रहते हैं, नीचे रहते हैं भाई। लोग काफी मजा आ रहा है अपन लोग को यहाँ पे। है शाम तो तारीफ में अधू करता है ये भेड़ो, कहाँ चली मारती तो नहीं है, नहीं तेरे को उठा गई नीचे बैग दी, भेड़ मारती नहीं ना, ये सबसे प्यारी होती है बकरियां, एक बार मार सकती हैं, मेरे गांव में आती है भाई। चलो चलो आ जाओ, देखते बाकी है। चलो 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 चलो, ये तो मार देगी, नहीं वो नहीं मारेगी, नहीं मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ खाने को। चलो चलो चलो, टाइम एक तो सही। कल सुबह का खाना ऐसा हो सकता है इधर आके कहीं देख कोई बना के गया उधर, अभी वो ऐसे सब बनाते हैं तो। नीचे इधर की साइड कुछ कर ले सुबह सुबह, मतलब तो घूम नीचे जाएंगे ना ऊपर से, बीच में रुक के। वैसे एक लकड़ी मिल जाती है सही रहता। भाई देखो कैसी कैसी जगह पे घूम रहे हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल पटनी टॉप के जस्ट आप जब आओगे ना, इस सारा सीन पीछे नजर की तस्वीर, ये भाई डांस कर रहे हैं। हमें देख रहे हैं क्या? तू भी नाचना शुरू कर। यार इसने इधर लेपड़ उपड़ वाले जस्ट चांस कुछ ऐसे कुछ नहीं लग रहे। ओ भाई ओ। चल 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 चलो, उठा रही थी लकड़ी है, जिंदगी में जो होना है वो हो जाएगा। छोड़ ये रहे ना, ये नहीं चलेगी, छोड़ घोप घोप के मारूंगा, घोप घोप। बंदर फ्राई खाएगा। छत पे सुला दिया था एक को, पट्टी होती ना टाइल्स वाली, एक पट्टी में वो लेट गया, वो ले ये आग लगाने काम आएंगे ना, जल्दी इग्निट होंगे। अपने नाम को पहले लेटर लिखा है। वो तो बहुत किया है बे, ये सबसे ज्यादा पीपल के पेड़ पे होता है, आम के पेड़ पे, जामुन के पेड़ पे सबसे ज्यादा। ये ले थोड़ी मोटी लकड़ी, क्या मतलब मैं अपने उसका नाम लिखूं, थोड़ी देर ऐसे भपकेगी ऐसे, इतनी आसानी से तुम पहाड़ों में नहीं चल सकते, अगर आसान रास्ता है तब भी भाई। सो प्लीज डोंट डू दिस अलोन, क्योंकि हम तो दो लोग हैं, टोटल पांच लोग हैं तो, बट अगर आप सोलो में आ रहे हो तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ब्रो, क्योंकि तुम यहाँ पे अगर फैल गए तो बहुत ही रेयरली अगर तुम्हें कोई देख पाया तो, मेक श्योर तुम अकेले ना हो। ये रहा, ये हो जाएगा बॉर्डर के लिए, अरे जो पन्नी ना लगानी ताकि हवा ना लगे। चल चल भाई हो गया, शार्प हो गया। चल वाला चप्पा है जो हम आग लगाने वाले हैं, ये से करते हैं वाइड एंगल में। चलो भाई हमारा ब्यूटेन गैस यहाँ पे कुछ ऐसा सेट हुआ है, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, अभी थोड़ी हल्की कम है बट बहुत तेज चल रही है, इसलिए हमने पूरा कवर कर दिया ऐसे ताकि बिल्कुल भी हवा ना लगे, ऐसे छोटी छोटी ईंट सी। तो भाई हमने हवा को जितना हो सकता है रोक लिया है, क्योंकि अभी हम उबाल रहे हैं आलू। क्या बनेगा भाई साहब आज, आज आप क्या बनाने वाले? कटलेट बनाने वाले आज हम, रात को मतलब देख रहे हो घर में। अरे बहुत आसान है, चिंता नहीं, हाँ 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 चक्कू भी ले फिर।
नमक निकालो भाई, नमक नमक और मैगी मसाला चाहिए निकाल ले रखा था विशाल वाले बैग में। ओए उस टाइम ज्यादा मेजर ढोल वाला बैग है अभी। ओए बैठे रहो चुपचाप। ओए इधर ही चाहिए। आई यू अंडरस्टैंड? आर यू अंडरस्टैंड? उसकी बना वीडियो बन रही है उसकी भी। ओए उसमें ये पहले पूरी रात बैठे रहना, हम खाने को देते रहेंगे। हमने ब्रेड खिलाया ना, हमने थोड़ी आग भी लगा दी है फॉर द सेफ्टी एंड द बोन फायर बोल सकते हो आप इन्हें। हमारे कटलेट भी रेडी हो रहे हैं तरुण द बावर्ची। मैं इसे बोल रहा था रेस्टोरेंट का खोल ले भाई, खोलता ही नहीं है। लो मस्त कटलेट बन रहा है भाई। कैंप पे कटलेट कौन बनाता है, ज्यादातर मैगी बनाते बस। कितना लग यही से लग के कभी याद करो नहीं ये है और दो दो ये है। तो सिर्फ कुत्ता का यही मत करना सीरियस। तो मैं अच्छा है तेरा, बाकी अगर तुझसे ज्यादा खाए तो मुझे दे सकती है। नहीं देने के कटलेट। अरे यार ये तो भाई ये बोन फायर लगा रखा मैंने ताकि फॉर द सेफ्टी एंड ऑल्सो फॉर द हीट। चाय बन रही है, कटलेट रेडी हैं, सामान बिखरा पड़ा है, सबको फिक्स करेंगे। ये लोग कैंप के अंदर हैं एंड मज़ा पूरा आ रहा है, पूरी तरह मज़ा आ रहा है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तो नेक्स्ट डे के लिए वेट करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।